इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 18 आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732। आपके पास ये एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल का मतलब होता है इसके तीनों ही इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ठीक है, ये वाली बात। आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है प्रिज्म के मटेरियल का 1.732, इसको आप रूट थ्री भी कह सकते हो। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द डेविएशन, और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछ रहा है इस डेविएशन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, बता देंगे। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, कैसे करोगे इसको बता देता हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू, और नीचे होता है साइन ए बाई टू, ये प्रिज्म के लिए होता है। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.732, इसकी जगह डायरेक्ट आप रूट थ्री रख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रूट थ्री। साइन ए आपको दे रखा है क्या, यस ए आपको दे रखा है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है। प्लस डेल्टा एम ये आपसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई टू ऐसे ही रहेगा, और नीचे साइन ए बाई टू, ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है 60 है, तो 60 का आधा, रूट थ्री ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है, इतनी बात पूरी हो गई। अब आगे सॉल्व करते हैं, रूट थ्री ऐसे रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/√1/2, यही होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, ये है √3/2, और √3/2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह मैं कह सकता हूँ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये है साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2, साइन से साइन कट जाएगा तो 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो 2 है मल्टीप्लाई में 120 कर देगा, 120 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, 120 में 60 निकालेंगे तो वैल्यू 60 बचेगी, 60 इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो आपसे यही पूछा था कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा, वो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। साथ में आपसे पूछा है कि इंसिडेंट एंगल भी बता दो इस डेविएशन के लिए, तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ये नॉर्मली होता है, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 60, डेल्टा एम कितना 60, और 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 120 का आधा 60 डिग्री। तो आपसे ये भी पूछा गया था कि इंसिडेंट एंगल बताओ, तो दोनों ही पार्ट आपने बता दिए। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं ना ईजी नहीं है, ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से तो पुट कर दो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेटिवली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करो सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।